Hello dear students, in this video we will capture a very few topics and the topics is properties of integers. Number one is closure property. Let's understand with example, a plus b comma a into b is equal to integer. means if a is equal to integer and b is equal to integer, then its sum and multiplication and even the subtraction will be integer. Commutative property. ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉमा ए इन बी इज इक्वल टू बी इन है मीन्स अगर आप ए प्लस ए या बी को प्लस करते हैं या बी या ए को प्लस करते हैं ए या बी को मल्टीप्लीकेशन करते हैं B या बी या ए को मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा ये ये शो करता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी को उसके बाद से बी प्लस ए प्लस बी उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इसका मतलब ये है कि अगर आप ए को बी या सी से प्लस करते हैं जैसे टू प्लस फाइव प्लस टू तो टेन प्लस ट्वेल्व या फिर फाइव प्लस टू प्लस तो इसका दोनों तरीके से इसका आंसर ट्वेल्व ही आएगा एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो होता है जीरो एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है वन इट मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है मतलब कि अगर हम लोग वन को ज़ीरो प्लस करते हैं एड एड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो वन ही आएगा तो ये उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन है मतलब कि किसी नंबर को अगर हम लोग वन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा मीन्स टू इन टू वन इज़ इक्वल टू वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इन टू बी प्लस सी इज इक्वल टू एन टू बी प्लस एन टू सी इज इक्वल टू एन टू बी माइनस सी इज इक्वल टू एन टू बी माइनस एन टू सी अगर हम ए बी प्लस सी मीन्स कि अगर हम लोग पहले किसी नंबर को बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला है आप इसको अगले वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं सो दिस वॉज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेशन वन विच इज नोन एज प्रॉपर्टीज ना कम टू द नेक्स्ट वीडियो